मैंने कल एक वर्कशॉप अरेंज की थी, मैं कोई स्टेज के ऊपर ज्यादा टॉक शॉक को करने वाला बंदा नहीं हूं, मैं सिखाने वाला बंदा हूं। तो मैंने कल एक वर्कशॉप अरेंज की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो म्यूचुअल ग्रोथ है, लाइक हम पैसा कमाते हैं किस लिए, कि हम अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर सकें, और ख्वाहिशात पूरी करने से क्या होता है कि खुशी मिलती है, और ये खुशी अगर आप खुद पैसा कमा रहे हैं, अगर आपके बहन भाई नहीं खुश, अगर वो आप उनको साथ लेके नहीं चल रहे, तो आपकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी। अगर आपने उनको भी साथ ले लिया है, फिर आपके दोस्त यार, अगर आपने उनको साथ नहीं लिया, अगर आप उनको परेशान देखेंगे तो फिर भी आप परेशान रहेंगे। आपने उनको भी साथ ले लिया, उसके बाद आ जाएगा हमारा पाकिस्तान। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास सब चीजें मिल गई, आपने जो ख्वाहिशें पूरी कर ली हैं, लेकिन आप उस कंट्री के अंदर रह रहे हैं जहां दूसरे लोग परेशान हैं, देन आप स्ट्रेस, खौफ, ना आपकी जान ना आपका माल, आप हर टाइम परेशान रहेंगे। तो हमने पूरे पाकिस्तान को लेके चलना है, और यही कनेक्टेड पाकिस्तान का एक मोटिव है कि सबको कनेक्ट करना है और सबको साथ लेके चलना है। कभी भी कोई माशरा अकेला, अगर कोई इंसान आप तरक्की, जब तक आप म्यूचुअल ग्रोथ के ऊपर बिलीव नहीं रखेंगे कि भाई सबको लेके साथ चलना है, आप अकेले तरक्की नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं आप लोगों में से हूं, मैंने हमेशा आप लोगों की बात की है, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ आप लोगों के सच बताता हूं। आप लोग ना तो लर्न करना चाहते हैं ना अर्न करना चाहते हैं, आपको चाहिए सिर्फ इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, दैट्स इट। एक जितनी आप अपने आप को देखें कि आपने कितनी पॉजिटिव पोस्ट को शेयर किया है, एक नेगेटिव पोस्ट आता है, एक बच्चा जो कल अभी उसने अपना पूरे अंडे का खोल भी नहीं तोड़ा होता, वो उठाकर एक नेगेटिव पोस्ट कर देता है और आपको इस तरह उस नेगेटिविटी को फैला देते हैं कि आप भूल जाते हैं कि दूसरे की एफर्ट कहां है। यह एक बहुत बड़ी हकीकत है। अभी मैं शायद कुछ लोगों को यह बात बहुत बुरी लगे, लेकिन मैं आपको एक और सच बताता हूं। अभी दो दिन पहले यहां इवेंट के अंदर एक स्पॉन्सर थी, वाटर बोटल्स का, जो वाटर का था, उसके खिलाफ कंपेन चलाई गई कि उसका बायकॉट कर दें। मुझे पहले बताएं कि बायकॉट करना है तो आप फिहाशी का करें ना, बायकॉट करना है तो आप नेगेटिविटी का करें ना, आप बायकॉट किस चीज का कर रहे हैं? आपने बायकॉट करने, मुझे वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का एक कॉल याद आ गया कि अगर किसी माशरे को तबाह करना है ना तो वहां फहाशी फैला दी जाए, और आज इस माशरे के अंदर हो ही ये रहा है, सिर्फ फहाशी फहाशी फहाशी। आप पूरा टिकटॉक उठा के देख लें, जितना शेयर उनको मिलता है, आप एक पॉजिटिव वीडियो बना के देख लें, एक बंदा आता है वो अपनी एफर्ट डालता है, वो कुछ लर्न करने के लिए आपको आता है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट है इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, दैट्स इट, जो आपको एंजॉय करवाए। और मैं आपको, अगर जैसे एक कुदरत का निजाम है, कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या जिस तरह आप लोगों ने वो की है, जिस तरह आप लोगों ने कामयाबियां हासिल की हैं, क्या हम भी कर सकेंगे, क्या मार्केट के अंदर इतना भी पोटेंशियल है, क्या मार्केट के अंदर इतनी स्पेस है? तो मैंने उसको बताया कि कुदरत का एक निजाम है, जैसे सुबह के बाद शाम है ना, हम लोग तो यहां से जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप लोग यहां आए, हम लोग यहां इकट्ठे हुए हैं कि आप लोग आए। मैंने 13 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, मैं 13 आवर्स के अंदर आपको दे सकता हूं, लेकिन आप लर्न करना ही नहीं चाहते, आप तो चाहते हैं कि इंटरटेनमेंट हो, दैट्स इट। ना आप लर्न करना चाहते हैं ना आप अर्न करना चाहते हैं। तो आपने अपने आप को देखना है, आपने अपने आप को सोचना है कि भाई मैंने क्या करना है। आपने कल को जब आपके बच्चे पूछेंगे कि आपके हमारे बड़ों ने क्या किया, और कल आप सोचें कि आपके जब बच्चे जो आपके उस स्टेज पर आएंगे वो पूछेंगे कि क्या किया। मैं आप जब थोड़ी सी एथिक्स के ऊपर बात करूं, यकीन करें मैं इतनी प्रॉब्लम फेस करता हूं, इतनी प्रॉब्लम, अगर कोई बच्चा कमेंट करता है, स्ट्रेट अवे इनबॉक्स के अंदर कॉल करना शुरू कर देंगे, यार कम से कम आप पूछो तो सही कि सर आप अवेलेबल हैं, भाई आप अवेलेबल हैं? नो, रात को 3 बजे कॉल आ जाएगी,
एडसन ब्लॉक हो गया, कुछ हो सकता है? क्या अप्रूव हो रहा है? क्या मेरी फाइवर की प्रोफाइल नहीं बन रही? क्या आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? हेल्प का तो वर्ड ही नहीं आता। आप ये बताएं यार, कम से कम ये तो बेसिक एथिक्स है ना, ये तो आप सीख लें कि भाई किसी से बात करनी है तो कैसे करनी है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक स्किल, सिर्फ कम्युनिकेशन, सिर्फ आप एक स्किल ये लर्न कर लें तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और यही सबसे वीक है, यही हमारी सबसे वीक है। लोग कल पूछ रहे थे बार बार कि हम $5,000-$10,000 तक तो आगे, हम इससे अबव कैसे जाएं? तो उसके अंदर सिर्फ एक ही स्किल चाहिए, बेसिक तो आपको आ गया, सेल तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आपने अप सेल करना है। और अप सेल कैसे करेंगे? कि जब आप कम्युनिकेशन सीखेंगे, जब आप देखेंगे कि बात कैसे करनी है, हमारे स्ट्रेट अवे बायर के पास जाएंगे, उसे कह देंगे हेलो ब्रो, यार ये चीजें किसने सिखानी है आपको? ये आपने खुद सीखनी है, ये एथिक्स आपने खुद सीखने हैं। और लास्ट थिंग जो मैं दोबारा ऐड करूंगा उसी फाशी के ऊपर, उसी नेगेटिविटी के ऊपर, कि भाई अगर ये चीजें, अगर ये बाइकॉट हुआ, अगर आपने इन चीजों को बाइकॉट किया, तो फिर माएं बच्चे हैदर जैसे पैदा करेंगी। और तारीख गवाह है कि एक हैदर पूरे खैबर पे भारी था। थैंक यू सो मच।